Hello. Good evening, everyone. My name is Rifat Parveen. Okay, you're from? I'm from Kaimur, Bihar. Kaimur, Bihar. So my poem name is Safar. Okay. Okay, bari yaar. मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर में ही रुक जाता हूँ, मंजिल तराशते हैं इन आंखों से, सफर में ही ठहर जाता हूँ, जब तक जान है चलता रहूंगा, यूं सफर में आगे बढ़ता रहूंगा, कुछ सफर तय करके भी रुक गए, मैं रुक के भी चलता रहूंगा। तो रिफत, ये किसकी पोयम है? ये पोयम किसकी थी? हेलो, बोलिए, ये पोयम किसकी थी? Your voice is not clear. And you're from Bihar. So it's nice that you speak good English. And I'm happy. Okay. But the thing is, what do you understand by ASEAN? And from ASEAN is a... From, yes, tell. ASEAN is a... सपनों का घर बोल सकते हैं आशियाना, जहाँ पे रहते हो, जहाँ कंफर्टेबल फील करते हो, दैट इज समथिंग आशियाना। ओके, गुड। तो आशियाना सपनों का ही घर होता है या सिंपल घर भी हो सकता है? आशियाना सपनों का ही घर होगा या सिंपल सामान्य, मेरा घर भी आशियाना हो तो सपनों का नहीं है मान लीजिए। आशियाना वो नो, दैट इज समथिंग जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो रहने में, जहाँ आपको अच्छा लगता हो, फैमिली हो, समथिंग ऐसा। अच्छा, ऐसा होता है आशियाना का मतलब। तो मैं आज डिक्शनरी में खोलूंगा, साइंस सर है, साइंस सर भी जानते हैं आशियाना का मतलब। लेवल स्टैंडर्ड में आते हैं। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़े बड़े हैं तो उम्मीद लगा कि आपसे थोड़ी चर्चा करनी, ताकि हम लोग सीखे, हम लोग ये जो बूढ़े बूढ़े तीन लोग बैठे हैं ना, ये वर्षा मैडम जो है, ये साइंस सर है, ये हम लोग थोड़ा, वर्षा मैडम थोड़ी यंग है, हम लोग, मैं तो बुढ़ा गया, मेरी तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई, तो थोड़ा मुझे हमको समझा दीजिए। वर्षा मैडम बुरा मान जाएगी बात, ऐसे बोल दीजिए सर, अपने गुरु में कैसे शामिल करना। ठीक है, बताइए। ओके, तमसी गई मेरी दुनिया, हाथ ले ना तकदीर, बदली तो बस मेरी सोच और बन गई खूबसूरत तस्वीर। वेरी गुड। तो ये सिलसिला चलता गया। व्हाट इज तकदीर जी? व्हाट इज तकदीर? तकदीर इज किस्मत। व्हाट इज किस्मत? आई डोंट नो। किस्मत इज डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी। हाँ, आपकी किस्मत, डेस्टिनी समथिंग। तो आपको लग रहा है कि जो होने वाला, आपको लग रहा है कि सर तंग करे, मैं एक्चुअली सीखना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा कि जो बड़े बच्चे थोड़ा उनसे हम सीखेंगे, हम लोग तो पिछले बार तय हुआ था कि थोड़ा हम लोग सीखेंगे कि जो नए नए शब्द आते हैं हम लोग। वर्षा मैडम कोई बात नहीं, वर्षा मैडम नहीं जानती है, हमको नहीं मानते आशा। सॉरी सर, नहीं सर, सर सर किस्मत में भाग्य। रिफत सही है ना? रिफत सही बोला ना हमने, भाग्य। और इसकी जो लगातार जो है, इसकी एक्सेंट जो है, हमको लगा वो जो लड़का भी मिला था हमको नॉर्वे वाला, ठीक है, तो उनकी एक्सेंट जो हमको लग रहा है कि ये कभी लालू या नीतीश को कभी सामने मिल जा रही बच्ची कविता सुना देते, हमको बोलेंगे कहा बबुनिया कहा सुना है? वो लगता है कि थोड़ा हमको ऐसा बच्चा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो वो नहीं मैथिली में चले जाए, बोले की हाल चे, बोले नीक छे, बोले ना ठीक छे, सब हो जाएगा। एनीवेज, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर आपने कविता लिखी है तो मेरी ओर से ये है कि आपकी भाषा और शब्दों बहुत सर। एक मिनट, मेरी कविता अभी है। अच्छा अच्छा, सुनाइए सुनाइए, सॉरी कोई बात नहीं। हाँ, फिर कोई बात नहीं, जिज्ञासा बढ़ गई थी ना, एक्साइट हो गए थे आप। सुनाइए सुनाइए, शुरू से पूरा सुना दो। ओके ओके, मंजिल तक पहुँच, ओके, मंजिल तक पहुँचने के लिए सफर में ही रुक जाता हूँ, मंजिल तराशते हैं इन आंखों से, सफर में ही ठहर जाता हूँ, जब तक जान है चलता रहूंगा, यूं सफर में आगे बढ़ता रहूंगा, कुछ सफर तय करके भी रुक गए, मैं रुके भी चलता रहूंगा। थमसा गया मेरा आशियाना, थमसी गई मेरी दुनिया, ना हालात बदले ना तकदीर, बदली तो बस मेरी सोच और बन गई खूबसूरत तस्वीर। ये सिलसिला बस चलता गया, सुबह से शाम में ढलता गया, जिक्र हुई जुबान पे उन दिनों की, जिस दिन सिर्फ मैं था और मैं ही चलता गया। खुशी मनाओ या जाहिर करूं, जिक्र खुदा का करूं या दूसरी ख्वाहिश रखूं, भीड़ की महफिल में बेसब्र खड़ा हूं, इनसे दूर कैसे जाऊं इसी सोच में पड़ा हूं, सोच है कुछ करने की पर मंजिल पर रुक जाऊं या सफर में ही खड़ा रहूं। थैंक यू। थैंक
एक मिनट, ये कविता आपकी है, लेकिन इसमें जो जेंडर वाला है वो लग रहा है कि किसी पुरुष ने कविता लिखी। कि कौन सा? ये कविता आपकी कविता है ना? यस सर। लेकिन इसमें सब जगह पे है, कहीं आपने ये नहीं कहा कि मैं करती रहूं, ये उसमें सब जगह पुरुष वाला संबोधन आया है। कौन सा वाला? भाई आप कविता पढ़िए, आप क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा चलता रहूं, मैं करता रहूं। करता रहूं कौन बोलते हैं? मेरा सवाल अब ये है, जब आप जब नेशनल कविता आप लिखते हैं, यस, मुझे आती कि मैं ऐसा करती रहूं, मैं आगे बढ़ती रहूं। एक मिनट, सुन तो लीजिए दोस्त, सुन लीजिए ना, सवाल ऐसे कर रहे हैं, हमें कोई ये नहीं है, हमको तो अच्छा लगा कि आपने उस तरह से लिखा होगा। मैं भी कई बार लिखती हूँ कि मैं नाचूंगी, है ना, मैं भी लिखूंगा। सवाल ये है कि वो जो लय आएगा ना, मैं नाचूंगी करूंगी, तो मुझे रुक रुक के करना पड़ेगा। आपने जिस तरह से लिखा और आपने जिस तरह से कविता पढ़ी, वो उसमें थोड़ा सा तालमेल का गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे साथ जो बाकी जो मेरे साथी है वो भी एग्री करेंगे, इस पूरी कविता में कहीं आपका आपकी मौजूदगी है ही नहीं। मतलब आपकी एज ए ह्यूमन बींग, जो आप जिस जेंडर से, या आपने जो लिखी है ना कि मैं ऐसा करूंगी, मेरी बढ़ती रही, ये स्त्रीलिंग कहीं आया नहीं है, हर जगह पुलिंग। कैसे हुआ ये संभव? आप समझिए क्या बोल रहे हैं विफत नहीं। है?